अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मुनव्वर एसोसिएट्स की जानिब से जो जून में एक्सपो होने जा रहा है 24, 25 और 26 तारीख को, क्या कहना है आपका इस हवाले से? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त एक कदम है और मैं समझता हूँ कि ये जो ये एक लीडरशिप है, ये एक ज़िम्मेदारी है जो अपनी कम्युनिटी के लिए, ये जस्ट सिर्फ एक अपनी अपनी एक उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ इसकी ज़ात के लिए फ़ंड जनरेट नहीं करेगा ये, बल्कि इसके बिज़नेस को एनहांस नहीं करेगा, बल्कि ये ओवरऑल जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर एक ये ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं कि हम लोग एक बाकी लोगों को साथ मिलाएँ, बाकी अपनी एक लीडरशिप का किरदार अदा करते हुए जो पूरी कम्युनिटी है उसके लिए जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, बाकी लोगों को इसके अंदर इन्वाइट करें और बाकी जितने बिल्डर्स हैं वो इससे डेफिनेटली इंस्पायर होंगे। अभी जिस तरह इनके ये अनाउंस करने के बाद ही दो तीन और लोग भी इसी चीज़ को जो है ना फॉलोअप करते हुए वो भी अपनी तमीरात इसी तरह की जो है ना एक्सपो अनाउंस करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और पाकिस्तान की जो रियल स्टेट है उसको जो फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए एक बेहतरीन कदम साबित होगा और ये मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये पहला कतरा साबित होगा, बाकी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह इनके देखा देखी अब ये वाली रियल स्टेट के अंदर फर्दर ये एक्टिविटीज़ होती जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस अपकमिंग एक्सपो के हवाले से? डेफिनेटली मैं समझता हूँ ये एक चीज़ जब ये एक्टिविटी होती है तो ये एक मटेरियल प्रोवाइड करती है जो रियल स्टेट वाले को, जो वो अपने क्लाइंट को मुतमिन करने के लिए, जो उसको कन्विंस करने के लिए, जो उसको अपने पेज के ऊपर लाने के लिए, अपने अपनी अपनी सेल के पिच जो है ना उसको मजबूत करने के लिए करता है। डेफिनेटली उससे पाकिस्तान की इकानमी को भी बेहतर होगा, वो अपने ओवरसीज़ को जब वही मटेरियल भेजेगा उसको कन्विंस करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट है, जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्रोथ कर रही है, डेफिनेटली उनका भी एक भरोसा बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ वो इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन चीज़ है। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।